आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 17 पर, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग और श्लोक क्रमांक है 15। जिनके पास मोबाइल में देखने की सुविधा है वो देख सकते हैं अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15। अनुद्वेगकरम अनुद्वेगकरम वाक्यम वाक्यम सत्यम सत्यम प्रिय प्रिय हितम हितम च च यत् यत् स्वाध्याय स्वाध्याय अभ्यसनम अभ्यसनम च च एव एव वाक्मयम् वाक्मयम् तपः तपः उच्यते उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मयं तप उच्यते अभ्यसनं अभ्यसनं अभ्यास अभ्यास च च भी भी एव एव निश्चयी निश्चयी वाङ्मयं वाङ्मयं वाणी की वाणी की तपः तपः तपस्या तपस्या उच्यते उच्यते कही जाती है कही जाती है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना चाहिए और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या तात्पर्य। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोत्तम लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपप्रदामयं तदापि स्वप्रदापितं वन्देऽहं श्रीगुरौ शितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आज का श्लोक है उसमें वाणी की तपस्या क्या है ये बताया। जो विषय चल रहा है वो ये है कि तीन गुणों के अंदर भोजन किस प्रकार का होता है। कोई हम यज्ञ संपन्न करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, कोई कार्य करते हैं शास्त्रोचित, वो कब सत्वगुण में किया गया माना जाएगा, कब रजोगुण में, कब तमोगुण। उसी प्रकार से हम दान देते हैं वो कब सत्वगुण में, कब रजोगुण में, कब तमोगुण में, ये विषय चल रहा है। तो अगर हम भक्तगणों से जो शास्त्र को भली भांति समझते हैं और अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, यदि हम उनके संपर्क में आते हैं और उनके माध्यम से शास्त्रों को समझ पाते हैं सही प्रकार से, तो फिर हम कौन से गुण में स्थित होंगे। फिर हमारे वचन, हमारी क्रियाएं सत्वगुण में होंगी, रजोगुण में होंगी कि तमोगुण में होंगी। अगर हम भक्तों से शास्त्र में क्या बताया गया है इसको सुनेंगे और इसके अनुसार कार्य करेंगे तो हम कौन से गुण में होंगे, सत्वगुण में, रजोगुण में कि तमोगुण में। सत्वगुण। तो इससे पहले अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों की चर्चा हो। तो जो आसुरी लोग हैं वो रजोगुण तमोगुण में रहते हैं और जो दैवी हैं वो तो सत्वगुण में रहते हैं। और उसमें बताया गया कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके, शास्त्र के विधि विधानों का पालन न करके मनमाने ढंग से जो काम करते हैं, जो इच्छा जैसा मन में आया वैसा करते हैं, वो लोग आसुरी गुणों से प्रभावित कहे जाते हैं, आसुरी कहे जाते हैं। यानी कि वो लोग निश्चित रूप से तमोगुण रजोगुण में ही होते हैं। इसके विपरीत जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं वो सत्वगुण में ही कार्य करते हैं। जो भी कार्य होता है वो सत्वगुण में होता है और वो हमें अंततः इस भौतिक जंजाल से निकालकर भगवान का ज्ञान देने वाला होता है, भगवान का ज्ञान देने वाला होता है, भगवान का साक्षात्कार कराने वाला होता है। तो इसके विपरीत जो लोग आलस्यवश शास्त्रों को गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते, भक्तों के संग में आकर के सत्संग नहीं करते, लेकिन सुनी सुनाई बातों से जो समाज में प्रचलित है उसको देख करके जो अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, नियम पालन करते हैं वो लोग, मन माने ढंग से काम नहीं करते हैं, लेकिन वो नियम का आधार क्या होता है, समाज में क्या चल रहा है, परंपरा। हमने ऐसा सुना है, लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। तो उन लोगों की चर्चाएं चल रही जो शास्त्रों को गहराई से सही से नहीं समझते हैं लेकिन केवल सुनी सुनाई बातों पर श्रद्धा रख करके कार्य करते हैं, वो जो भी करते हैं वो उनके पूर्व कर्म फल के अनुसार, जो उनको जन्म हुआ, जब उनका जन्म हुआ तो पूरे पहले के जीवन में उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे, जैसे जैसे उनकी श्रद्धा थी उसके अनुसार, वो जन्म से ही उनकी श्रद्धा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में से किसी एक की होती है, वो हर व्यक्ति की होती है। यदि जन्म के पश्चात कभी भी हम किसी भी समय यदि भक्तों के संपर्क में आके जो शास्त्रों को सही प्रकार से यथार्थ रूप में समझें, उनका सानिध्य प्राप्त करके हम अगर शास्त्रों को समझते हैं, तो फिर हम पूर्व कर्म फल के अनुसार जो भी
हमारी स्थिति थी उसके अनुसार नहीं चलते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका। लेकिन जो लोग ऐसे शास्त्र को गहराई से समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं और सुनी सुनाई बातों चलते हैं, वो लोग फिर जो भी उनकी श्रद्धा पूर्व जन्म में थी उसके अनुसार वो इस जीवन में भी पूर्व कर्म फल के अनुसार या तो सत्वगुण में बहते हैं या तो रजोगुण में या तमोगुण में। क्योंकि संसार में लोग तो अलग अलग प्रकार बातें कर ही रहे हैं, सब एक जैसी बात तो कोई करता नहीं, लेकिन हम लोग उसमें से कौन सी बात को पसंद करते हैं वो किस पर निर्भर करेगा। बहुत सारे चैनल हैं आजकल तो YouTube का जमाना है, हर आदमी अपनी बात कहने पर लगा हुआ है और हर एक आदमी के फॉलोअर तो कुछ मिल ही जाएंगे। आप कोई भी आप में से कोई भी अगर YouTube चैनल शुरू कर देंगे तो फॉलोअर तो आपको मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो किस बात पे निर्भर करेगा कि आपको कौन से फॉलोअर मिल रहे हैं। तो आप जिस गुण में सुनाएंगे और सुनने वाले जिस गुण के हैं उस पर निर्भर करेगा कि कनेक्शन कहां मिलेगा, कौन किसको सुनेगा, है ना। ये सब किसके लागू होगी बात, ये वाली बात, जो लोग शास्त्र के अनुसार सुनना सुनाना नहीं जानते हैं उन लोग, वो स्वाभाविक रूप से अपने गुणों से चलते हैं, तो उन लोगों के बारे में चर्चा चल रही है। हरे कृष्णा। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ में रखते हैं। तो यहां पर इस श्लोक में बताया है कि इस प्रकार से जो हम तपस्या करते हैं जीवन में वो भी तीन गुणों के अंदर हो सकती है, सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण। सत्वगुण की तपस्या है जिसमें कि हम बिना भौतिक फल की कांक्षा से केवल आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कुछ तपस्या कर, उसको सत्वगुण की तपस्या कहते हैं। और जो तपस्या के पीछे उद्देश्य होता है कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिल जाए वो राजसिक तपस्या होती है। और जो तपस्या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए और पागलपन में आकर के की जाती है उसको तामसिक कहते हैं। और ये जो तपस्या है ये भी शरीर की तपस्या हो सकती है, वाणी की तपस्या हो सकती है, मन की तपस्या हो सकती है। इसलिए अभी जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी तपस्या बताई गई है, वाणी की तपस्या। और फिर आगे बताएंगे ये जो मन की तपस्या बताएंगे, इससे पहले शरीर की तपस्या बताई, और फिर ये सब तपस्याएं जो है तीनों प्रकार की ये तपस्याएं कब सात्विक कहलाएंगी, कब राजसिक और कब तामसिक। तो सबसे पहले तो जानने योग्य बात ये है, विचार करने वाली बात ये है कि तपस्या का महत्व क्या है। फिर वो आगे की चर्चा है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कौन सी है और हमें कैसे शास्त्र के अनुसार जो तपस्या बताई गई है वही तपस्या करनी चाहिए, और वो हमेशा सत्वगुण में होगी और वो हमें निश्चित रूप से भगवान की तरफ ले जाएगी। इसके विपरीत जो तपस्या हम सुनी सुनाई बातों पे करेंगे वो या तो सात्विक होगी या तो राजसिक या तो तामसिक होगी। जिस प्रकार के हम आकृष्ट होते हैं गुणों से उसी प्रकार की हम तपस्या करेंगे। तो वाणी की तपस्या सबसे पहले है, वाणी की तपस्या। सबसे पहले तो ये विचार कि वाणी में भी तपस्या होनी चाहिए ये कितने लोगों को ज्ञात है, तपस्या होनी चाहिए ये कितने लोगों को ज्ञात है कि जीवन में तपस्या होनी चाहिए। आजकल का जमाना तो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में है, ज्यादातर लोगों का विचार है जितना जीवन में कम तपस्या उतना व्यक्ति ज्यादा उन्नत, जीवन में जितने कम नियम उतना व्यक्ति ज्यादा स्वतंत्र। इसलिए आजकल हम सब स्वतंत्रता की मांग करते हैं, जितनी नई पीढ़ी है वो ये चाहती है हमें ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। हमारे माता पिता जो नियम लगाते हैं हमें लगता है ये रूढ़िवादिता है, नियम लगाना मतलब ये पिछड़ापन है,
नया क्या है, नियम ना होना। इसलिए आजकल का ये जमाना जो है उसका उसकी विशेषता ये है, नियमों से विद्रोह। और ये जो बात है कि नियम नहीं होने चाहिए, ये मुख्य रूप से 18वीं सदी में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई यूरोप के अंदर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पर यह विशेष रूप से स्थापित हुआ ये प्रचलन, नियम नहीं होने चाहिए, धार्मिक नियम, किसी प्रकार के नियम, आदमी को स्वतंत्र छोड़ दो, उसको जो करना है वो करने दो, ये है प्रगति का सूचक। इसलिए आज का जो आधुनिक मनुष्य है वो अपने को सारे बंधनों से छोड़वाना चाहता है। ये बंधन परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, कुल परंपराएं होती हैं, हम माता पिता सुनते हैं, दादा दादी सुनते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे करना है। तो आज का जो मनुष्य वो प्रश्न करता है, क्यों नहीं करना है, किसने बनाया ये नियम, क्यों बनाया, मैं स्वतंत्र हूं, मुझको जो अच्छा लगे मैं करूं, ये क्यों ये ऐसा है कि आप बताओ, आप मेरे को बताओ कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मैं अपने आप सोचूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं गलत कह रहा हूं, आज के सब युवक युवतियां विशेष रूप से यही सोचते हैं, और धीरे धीरे ये जो हमारी कोर्ट है सब जगह वहां पर प्रभाव हो रहा है, तो कोर्ट के द्वारा भी ये होता है कि कोई नियम नहीं लगाया किसी के ऊपर। इसलिए अगर कोई आपके ऊपर नियम लगाए, आप पुलिस बुला सकते हैं, माता पिता को भी, माता पिता के खिलाफ भी आप पुलिस बुला सकते हैं, ये प्रचलन है सामान्य। तो इसकी शुरुआत जो है विशेष रूप से हुई थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से ये स्थापित हुआ। उस एक रिवॉल्यूशन के बाद एक मनुष्यों का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी एक अवधारणा की गई। तो उसमें अवधारणा हुई सब समान होने चाहिए, सबको समान देखना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, इगैलिटेरियन अंग्रेजी में उसको कहते, सब समान होने चाहिए। फिर स्वतंत्र वाणी का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई कुछ ही बोल सके, और आज उसकी हाइट है, कोई कुछ ही बोल सकता है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, जो आपको अच्छा लगता है बोलो, राइट। और उसी प्रकार से फिर धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स, ये वहीं से शुरू हुआ ह्यूमन राइट्स, तो ये सब हमारे राइट्स हैं, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र अधिकार, हमारे स्वतंत्र का अधिकार, हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, बस ये है कि आपका एक ही सिद्धांत है, एक ही नियम है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपेक्षा करते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, ये लॉजिक से निकला है, बाकी और कोई नियम नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि समाज के सब लोग मिलकर के एक चीज निर्धारित कर लें, उनकी हमें सबको अच्छा लगता है ये, तो कोई बात नहीं, फिर वैसा सही हो जाएगा, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले जजमेंट दिया कि ये जो हमारे जो लॉज बनाए गए हैं, ये इनको बहुत टाइम हो गया है बनाए हुए, अभी संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। पहले था कि वैवाहिक स्त्री पुरुष जो है वो इस प्रकार की कल्चर थी कि वो अन्य स्त्री पुरुषों के साथ संबंध नहीं रखते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया, अभी लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं अनुभव होती है, इस वैवाहिक संबंध, वैवाहिक स्त्री पुरुष भी अन्य स्त्री पुरुषों के साथ संबंध रखे, इसमें आजकल लोगों को कोई दिक्कत नहीं लगती, उनको कोई ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज है। तो इसलिए अभी हमें ये नियम परिवर्तित करना चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम दिया कि अभी ये जरूरत नहीं है, इसको चेंज करो, क्योंकि विचार क्या है कि समाज में लोग रह रहे हैं, उनको जैसा लगे वैसा नियम बनाओ,
कोई अगर नियम कुछ है भी तो, और वो नियम धीरे धीरे जितने कम नियम होंगे उतना ही वो सूचक है कि हम बंधनों से मुक्त हुए हैं, है ना, और हम प्रगति कर रहे हैं। ये बहुत गहराई में आज समाज के अंदर विचार फैला हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि हर जगह पर ये जहां भी बंधन है वहां पर उससे निकलने की बात हो रही है, हा? तो फिर तपस्या कहाँ आएगी फिर? क्योंकि तपस्या का मतलब ही है कि हम स्वेच्छा से अपने ऊपर बंधन लगाते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। तपस्या के आधार में ये समझना कि स्वभाव से हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं अज्ञानतावश हमारे अंदर बहुत कुछ कुछ भी करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर हम जो मन में आए वो करेंगे उससे परिणाम क्या होगा कि हमारी हम पशु जैसे बन जाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति तो छोड़ दीजिए, हम भौतिक दृष्टि से भी वास्तव में पिछड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे नारकीय जीवन प्राप्त होगा। यह है हमारी वैदिक संस्कृति की समझ, और ये प्राय सभी धर्मों के अंदर भी ये समझती कि धर्म है कुछ भगवान के द्वारा दिए गए नियम है जो हमें प्रगति कराते हैं, जो हमें शुद्ध कराते हैं, जो हमें विशेष रूप से बहुबंधन से निकालते हैं। ये विचार बहुत मजबूताई से जो भी परंपरागत सभ्यताएं रही हैं उनमें रहा है कि हमें जीवन का लक्ष्य है ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। ये बहुत ही जगत जो है वो हमारे रहने का स्थान नहीं है, वो तो दुखों का जगह है। अगर हमें इस जगत से निकलना है तो हमें कुछ विशिष्ट अपने को शुद्ध करने के नियम पालन करने होंगे, उसको तपस्या कहते हैं। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता है वो पशुवत जीवन जीता है। पशुओं के जीवन में कोई तपस्या का विचार नहीं होता है। पशुओं के जीवन में जो अच्छा लगे वो करो, ऐसा होता है। लेकिन अच्छी बात वहां ये है कि प्रकृति के नियमों के द्वारा वो स्वतः बंधे होते हैं, उनकी स्वतंत्र शक्ति बहुत कम होती है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से बंधे होते हैं नियमों से। लेकिन जो मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य की जिम्मेदारी भगवान ने दी है वो आत्म साक्षात्कार करें, मनुष्यों के जीवन में भगवान ने अधिक विवेक बुद्धि दी है जानवरों के कंपैरिजन में। जानवर जो हैं केवल अपने आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ही विवेक बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो विचार करता है कि संसार में दुख है, दुख क्यों है इत्यादि। यानी कि मनुष्यों के जीवन का विशेष प्रयोजन है कि वो अपने जीवन को आध्यात्मिक, अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करें, अर्थात वो समस्त कष्टों का निवारण करें। और समस्त कष्टों के निवारण के लिए जरूरी है कि वो आध्यात्मिक प्रगति करें, क्योंकि हम अध्यात्म हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और इसीलिए ये भौतिक जगत के कष्ट हमारे लिए नहीं है, लेकिन अभी अज्ञानता में हम हैं इसीलिए ये कष्ट हमारे ऊपर है। इसीलिए मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वो आध्यात्मिक प्रगति करें, और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए क्या जरूरी होगा? तपस्या करनी होगी। मतलब क्यों तपस्या करनी होगी? अज्ञानता में हम इस जगत का भोग करना चाहते हैं। अज्ञानता में हम सोचते हैं कि शरीर का सुख वास्तविक सुख है, और शरीर का सुख मतलब जगत का भोग करना। शरीर का सुख किसमें है? जगत की जो चीजें हैं उसको भोग करने में। लेकिन ये अज्ञानता है, शास्त्र इसको अज्ञानता बताते हैं। ये सही बात नहीं है, ये अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, शरीर के सुख हमारे सुख नहीं है। वास्तव में शरीर का सुख सुख है ही नहीं, क्योंकि वो क्षणिक है और आत्मा नित्य है, और आत्मा जड़ नहीं है। इस जगत की चीजें जड़ हैं, इसलिए जड़ पदार्थों का और आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। वास्तव में मूलभूत रूप से कोई संबंध नहीं। वर्तमान समय में जो हमें संबंध दिख रहा है वो एक अज्ञानता के ही कारण है। तो इसीलिए शास्त्र हमें बताते हैं कि भौतिक सुख सुख नहीं है,
लेकिन हम सबके अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने की अविरत इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है हमारे अंदर, जन्म से ही होती है, क्योंकि ये जन्म हमारा पहला जन्म नहीं है, हम तो बहुत समय से इस भौतिक जगत में है, इसलिए बहुत अभ्यस्त है हम इस भौतिक जगत का भोग करने के लिए। तो इसलिए जैसे जैसे हमारा हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने आप हमारे हृदय के अंदर जो पूर्व कर्म फल के कारण जो प्रतिफल बनते हैं, कर्म फल बनते हैं, उससे अपने आप समय आने पर अलग अलग इच्छाएं होती है। देखिए बच्चा होता है छोटा, एक समय आता है जब उसको साइकिल चाहिए होती है, कुछ उसको इच्छा होती है कुछ, मैं कुछ साइकिल फिर बाइक कुछ लूँ। एक समय आएगा जब घड़ी की इच्छा होती है ना, एक पहले होती है खिलौने की इच्छा, ये अपने आप आती है वो एज के अनुसार। फिर युवक युवती, युवा जब अवस्था आती है तो युवक युवती आकर्षण होता है ना, ऐसे करके चलती रहती है अलग अलग स्तर पर, अलग अलग वो आती है, जैसे अलग अलग सीजन में अलग अलग वनस्पति उगती है, ऐसे हमारे जीवन में स्वतः अपने आप अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उभरती हैं। और फिर बाहर का जो भौतिक जगत के अंदर जो विषय हैं, जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उससे भी जो हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं सुसुप्त अवस्था में वो भी। तो अगर हम जो मन में इच्छाएं हम तो पूर्ति करते रहेंगे, जो आजकल हमें समाज सिखा रहा है, जो भी आपके हृदय के अंदर इच्छा है उसको दबाओ मत, उसको पूरा करो, तो फिर क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि उन इच्छाओं की पूर्ति करने से हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, इच्छाओं का सूक्ष्म रूप, वो और अधिक बढ़ जाएंगे। ये नियम है, जब हम इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उसका एक प्रतिफल बनता है कि वो ही इच्छाएं आगे आने वाले समय में हम दोबारा करेंगे और ज्यादा तेज गति से वो इच्छाएं हमारे हृदय में होंगी, ये उसका एक फल बनता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इच्छाओं कर रहा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, समझ लीजिए उसको बहुत सारे और जन्म लेने पड़ेंगे उन इच्छाओं की पूर्ति करने की, इच्छाओं प्रयास करने की, है ना, और उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी बढ़ती। तो क्या करें, इच्छाएं बंद कर दें? इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये जीव का स्वभाव है, इच्छा तो उसके अंदर होगी ही, लेकिन क्या इच्छा है जो आत्मा की इच्छा है वो हमें समझना। आत्मा की एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, और वो ऐसा संबंध है जिसमें हम भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है, भगवान दिव्य गुणों से ओतप्रोत है, इसीलिए हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं और आकृष्ट होते हैं उनकी सेवा करने, क्योंकि भगवान महान है और हम बहुत तुच्छ हैं, ये हमारा स्वाभाविक संबंध। तो अज्ञानतावश हम भगवान की सेवा ना करके जगत का भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं, इसको इच्छा ही करते हैं। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को, जो आज का समाज हमें सिखा रहा है, जो भी आपके अंदर इच्छा है उसको पूरी करो, तो उससे क्या होगा, हमारी ये भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और फिर वो पाप कर्म करने की इच्छाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। इच्छाओं में भी दो प्रकार हैं, एक पुण्य एक पाप। एक ऐसी इच्छाएं जो भगवान की सेवा करने में नियोजित हो सकती हैं और एक ऐसी इच्छाएं जो भगवान की सेवा में नियोजित नहीं हो सकती, उनको पाप कहते हैं। जो पाप कर्म है वो तो बिल्कुल हमें भगवान कृष्ण चेतना से, भगवत चेतना से दूर ले जाता है। जो पुण्य है वो कम से कम हमें दूर नहीं ले जाता है, कुछ धीरे धीरे नजदीक ले जाता है, बहुत धीरे धीरे। लेकिन जो भगवान की शुद्ध सेवा है, जो शास्त्रों का मर्म है, जो हम भगवान के भक्तों के सानिध्य में ही सीख पाते हैं, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, वो तो बहुत तेज गति से हमें भगवान की तरफ ले जाती है। तो तीन चीज हो गई, पाप, पुण्य और भक्ति। इसलिए भक्ति है जो शास्त्र को यथारूप समझते हैं वो भक्ति करते हैं, जो शास्त्र को यथारूप नहीं समझते हैं लेकिन सत्वगुण में है वो लोग देवताओं की पूजा उपासना करते हैं और उसके द्वारा संसार में सुख भोगने का प्रयास करते हैं। जो भगवान के भक्त है वो संसार में सुख भोगने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो जान जाते हैं संसार में सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, वो तो केवल भ्रम है। वास्तविक सुख यदि है तो आत्मा का सुख है और वो है भगवान की सेवा।
इसलिए वो भगवान की सेवा में प्रगति करते हैं। पुण्यशाली लोग देवताओं की पूजा करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, इसको पुण्य कर्म करते हैं। देवताओं को पूजा इत्यादि करके, विष्णु को स्वीकार करके, लेकिन देवताओं की पूजा उपासना करके, पुण्य कर्म करके, अलग अलग शास्त्र अनुमोदित कार्य करके, पुण्य कमा करके इस जगत का भोग करते हैं। और जो असुर लोग हैं वो या तो मनमाने ढंग से काम करते हैं, या तो सुनी सुनाई बातों के अनुसार काम करते हैं, और वो ऐसी ही चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो पापमय होती हैं। तो YouTube पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर स्वभाव से रजोगुण तमोगुण है वो ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित होंगे जो शास्त्र के विरुद्ध है। और कलयुग में विशेष रूप से तमोगुण रजोगुण का बोलबाला है, बहुत अधिक प्रभाव है। इसलिए जो लोग भी राजसिक या तमोगुण से प्रभावित होकर के जो बात बोल रहे हैं, वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग वाद है ना, थ्योरीज, ये सही है, जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन ये होना चाहिए, ऐसा था, हिस्ट्री ऐसी थी, हर एक चीज के पीछे एक वाद है, समझ। तो जो समझ रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होती है, आजकल के समय में ज्यादातर लोगों को वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आजकल लोगों को अगर कोई ये बोले कि हाँ विवाह ये सब नहीं होने चाहिए, स्त्री पुरुष को जब उनको अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे, जब तक अच्छा लगे साथ में रहो और फिर पार्टनर चेंज कर दो, ये बात अच्छी लगेगी बहुत। आजकल के लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये बात अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये राजसिक तामसिक है, ये सात्विक नहीं। सात्विक विचार क्या है कि कुत्ते बिल्ली की तरह से स्त्री पुरुष संग नहीं होता है मनुष्यों में, अंतर है। मनुष्य जीवन में स्त्री पुरुष एक वैवाहिक जीवन के अंदर जिम्मेदारी लेते हैं, तभी उनका वो पत्नी के रूप में, स्त्री पुरुष जो है वो पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं। लेकिन जानवरों में कोई पति पत्नी नहीं होते हैं, ये अंतर है मनुष्यों में और जानवर। लेकिन आजकल के लोग के अंदर ये समझ खत्म होती जा रही है, इसको वो लोग एडवांसमेंट मानते हैं, क्योंकि राजसिक तामसिक चीज से परिवर्तित। तो इस तरह से आज तपस्या के विपरीत जीवन चल रहा है, यानी कि पशु चल रहा है, सब पशु बनने जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए ऋषभ देव क्या कहते हैं, नायम देहो देव भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजान तपो दिव्यम पुत्र का ये न सप्तम शुद्धियस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। वो कहते हैं अरे अपने पुत्रों, कहते हैं कि ये सूकर सूकर की तरह से अनियंत्रित इंद्रिय भोग वाला जीवन मत जियो। जानवरों का जीवन अनियंत्रित होता है लेकिन प्रकृति के अंदर नियंत्रित होता है, लेकिन जब आदमी अनियंत्रित होता है तो एक हद तक प्रकृति के नियमों के भी एक हद तक विरुद्ध जा सकता है। तो ऋषभ देव कहते हैं ये नहीं, ये गलत चीज, हमें सुकर कुकर की तरह से अनियंत्रित इंद्रिय भोग का जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए, हमें शास्त्रों के अनुसार समझना चाहिए कि हमें जीवन में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। आजकल का विचार क्या है, नियम छोड़ने से हमें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपने आज नियम छोड़ दिए, जैसा मर्जी आए वैसा आपका व्यवहार है, जो मन में आए खा सकते हो, जो मन में आए पहन सकते हो, जैसे बात करनी है कर सकते हो, जो मन में आए बोल सकते हो, वाह स्वतंत्र हो गए। लेकिन उससे क्या होगा, जानवर का शरीर मिलेगा, फिर कहां जाएगी आपकी स्वतंत्रता, फिर जैसा खा सकते हो वैसा नहीं खाओगे आप, सुअर बन जाओगे तो मन ही खाना होगा, कहां गई स्वतंत्रता। तो थोड़े समय की स्वतंत्रता है लेकिन उससे आगे आने वाले जीवन में पूरा बंधन हो जाएगा, पूरा बंधन हो जाएगा, आपकी विचार शक्ति विवेक शक्ति केवल आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित हो जाएगी, इसके ऊपर आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, है ना।
तो बन जाएंगे हम। तो ये जो आज का विचार है स्वतंत्रता का, वो वास्तविक बांधने वाला विचार मनुष्य जीवन में सबसे अधिक स्वतंत्रता है, ये तो सब लोग स्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम मनुष्य जीवन में जो दिए गए नियम है उसका पालन नहीं करेंगे तो वो स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाएगी। तो जो आजकल हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उससे हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी, है ना। जबकि अगर हम शास्त्र के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करेंगे तो हमें क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या हो सकती है। जन्म मृत्यु का चक्र कितना बड़ा बंधन है इसको तो देखिए, मूर्खों को ये नहीं दिख रहा है कि आपको मरना होगा फिर दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बंधन है। आपने कुछ सिगरेट पी लिया, वाह देखो कोई बंधन नहीं है, मेरे को मन में किया मैंने सिगरेट पी, ठीक है, मेरे मन में आया नग्न घूमता हूं मैं, ठीक है। तो अगले जन्म में प्रभुपाद बताते पेड़ बन जाओगे, पेड़ जो है वो सब ये मॉडल होते हैं ना, कपड़े कम पहनते हैं और मॉडलिंग करते हैं, तो ये पेड़ पौधे सब ऐसे मॉडल थे, अभी मॉडलिंग कर रहे हैं वो खड़े होकर के। ये शास्त्र के नियम है। तो क्या हुआ कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमसे छिन गई, और वास्तविक स्वतंत्रता है माया से स्वतंत्रता। सबसे बड़ी स्वतंत्रता है माया से स्वतंत्रता। माया हमें हम झगड़े हुए हैं और लेकिन है माया, इसलिए हमको ऐसा जितना जो ज्यादा माया में उसको लगता है मैं उतना ही स्वतंत्र हूं माया से। ये माया की एक विशेषता है, इसलिए उसको मा अयम माया जो है नहीं ऐसा हमको प्रतीत कराती। तो जो जितना माया में है उसको लगता है मैं उतना ही माया से स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता है जब हम माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, हम तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन वो कैसे मुक्त होंगे, मनमाने ढंग से काम करने से तो माया और हमको पकड़ लेगी, मनुष्य के जीवन की जगह जानवरों के जीवन में डाल देगी, पेड़ पौधों के जीवन में डाल देगी। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे और फिर भगवान जो हमें नियम दे रहे हैं, शास्त्र जो हमें नियम दे रहे हैं उस नियमों के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो फिर हम माया से मुक्त होंगे और हम इसी जीवन में इसको अनुभव कर सकते हैं। जो आदमी इंद्रिय भोग कर रहा है वो भले ही बोल रहा है कि मैं मुक्त हूं, लेकिन वो सब अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, केवल बोलने की बात है कि वो स्वतंत्र हैं। कितने लोग हैं जो कॉलेज में जाते हैं सोचते हैं ठीक है स्मोकिंग करके देखते हैं, बाकी मेरी इच्छा है जब इच्छा होगी तब छोड़ दूंगा, देखते तो हैं इसमें क्या मजा आता है, लेकिन होता क्या है वो लोग गुलाम बन जाते हैं सिगरेट के। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ अपने कॉलेज का, जब पहले फर्स्ट ईयर में हम लोग गए तो 5-10% लोग बच्चे थे लड़के स्मोक करते थे, लड़कियां कोई स्मोक नहीं करती। लेकिन जब हम फाइनल ईयर करके निकले तो 60-70% लड़के जो है स्मोक करते थे और बहुत सारे तो चेन स्मोक करते। हमारे टाइम में लड़कियां नहीं करती थी, लेकिन आज लड़कियां ही प्रगति कर रही हैं, बहुत कॉमन है आज स्त्रियां स्मोक करती हैं, स्वतंत्र हो रही है, आज की स्वतंत्र नारी स्मोक भी कर सकती। लेकिन अभी आप देखिए स्मोक वो जो सिगरेट पैकेट है उस पर लिखा है स्मोकिंग किल्स, लेकिन ये स्वतंत्र स्त्री पुरुष जो स्वतंत्रता से स्मोक करते हैं स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते हैं, भले इनको कैंसर हो जाए तो भी छोड़ नहीं पाते हैं, तो गुलाम हो गए नहीं हो गए। देखिए जो लोग शराब पीते हैं उनके घर सब बर्बाद हो रहे होते हैं, वो लोग सब पैसे को उठाते हैं चोरी करते हैं लोन लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग गुलाम बन जाते हैं। तो कितना स्पष्ट है कि इंद्रियों के हम सब गुलाम बन रहे हैं। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम सब अपने इंद्रियों गुलाम बन रहे हैं, और उसके बाद क्या परिणाम होगा, इंद्रियों गुलाम बन रहे हो तो कुत्ते बिल्ली बन जाओ। तो इसलिए ना इस जीवन में स्वतंत्रता है ना आने वाले जीवन में, ये केवल माया का भ्रम है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक ही है, वो है माया से स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता का एक ही उपाय है कृष्ण की शरण में जाना, सरल सीधा सीधा यही मार्ग है और कोई सत्य नहीं। इसीलिए हमें ये आजकल जो चल रहा है उसके बहकाने में नहीं आना चाहिए,
विशेष रूप से जो हमारे युवा पीढ़ी है, आप लोग सावधान रहिए। ये सारा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, ये फ्रीडम नहीं है, ये और बंधन है। तो इसलिए हमें जो करना चाहिए वो तपस्या करनी चाहिए। तो वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या। तो वाणी की तपस्या क्या है, क्या बताया? जो भी बोले शास्त्र के अनुसार बोले, जो भगवान को प्रसन्न करने वाला, जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है वही वास्तव में सज्जनों को प्रसन्न करेगा। मूर्खों को प्रसन्न करने वाली चीज बोलने से क्या लाभ होगा? करेक्ट। आजकल चल रहा है, ये चल रहा है, आजकल लोग YouTube पर या कोई भी पे बोलते हैं और फिर बहुत सारे मूर्ख उनको लाइक करते हैं। इसने भागवत बताया है कि जो जानवर है, जो जानवर है वो अपने में सबसे बड़े जानवर को बड़ा संस्तुतः पुरुषः पशुः, है ना। तो जितनी ज्यादा जिसकी लाइक, ज्यादा संभावना है कि वो उतना बड़ा मूर्ख, ज्यादा संभावना है। क्योंकि सब लोग अपने अपने मन के हिसाब से बोल रहे हैं और सब लोग उसी प्रकार से अपने अपने लाइक्स कर रहे हैं। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे हैं, मन के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र उदाहरण है, उनका बोलना कैसे है? जिह्वा, मेंढक के टर्राने की तरह से। मेंढक टर्राता बहुत तेजी से बारिश में, है ना, टर्र बहुत खुश होता है, देखो मेरी आवाज कितनी बुलंद है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? सांप को पता चलता है यहां है और उसको खा लेता है। तो उसी प्रकार से जो हम शास्त्र के विपरीत अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, अपने अलग अलग वाद रखेंगे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, वो भी सब मेंढक की आवाज है जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। वो लोग मेंढक की आवाज निकाल रहे हैं ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ करके, वहां पर मेंढक जमा है। मत सोचिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो टाई लगा करके लोग बैठे हैं वो भी सब बड़े बड़े मेंढक हैं, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं? मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध बोल रहे हैं। और ये सब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उन सब चीजों को। तो ये सब जो है मेंढक के टर्राने की तरह से है, और उसका परिणाम होगा है कि लोग भविष्य में होगा वो तो हम शास्त्र से जानेंगे, इसी जीवन में देखिए क्या परिणाम हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। एक एक समाज को सही दिशा में सही प्रकार से चलाने के लिए एक परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी। आज इन लोगों के दुष्प्रचार से वो परिवार इकाई खत्म होती जा रही है। डाइवोर्स रेट आप जानते ही हैं कहां जा रहा है, और अभी प्रचलन धीरे धीरे, जब डाइवोर्स इतना होगा तो शादी कौन करना चाहेगा, इसलिए धीरे धीरे विवाह ही कोई नहीं कर रहा है। और फिर विवाह नहीं कर रहे हैं लेकिन संभोग तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि विवाह नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि वो तो एक इस भौतिक जगत में जो भी अज्ञानता में है उन सब के अंदर ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें तो वेग है ही, इसलिए आप इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि उसको भगवान की सेवा में लगाने का जो मार्ग था विवाह वो तो खत्म हो गया। तो इसलिए सब लोग व्यभिचार में लगे हुए हैं, पोर्नोग्राफी और प्री मैरिटल सेक्सुअल कंडक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, विवाह से पहले, विवाह के समय, सब प्रकार का व्यभिचार करने में लगे। तो ये समाज में ये चल रहा है, है ना, ये सब जो अलग अलग वाद उपस्थित कर रहे हैं संस्कृति के विरुद्ध, और उससे कौन खुश है? ये सब इस प्रकार से जो व्यभिचार करके वो डिप्रेशन और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, है ना, मेडिकल, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स, HIV, सबसे बड़ा HIV को रोकने का है कि वो कहते हैं सेफ सेक्स। क्या पागलपन है सेफ सेक्स, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेड है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स होगा इसलिए बोल रहे हैं सेफ सेक्स। मतलब उसको एक्सेप्टेड मान लिया गया है कि ये तो कॉमन है, ये तो ठीक है, ऐसा तो हो गई। तो देखिए कहां समाज चला गया। सो इस प्रकार से हमें एक ये प्रवृत्ति में नहीं जाना है, हमें शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए।
इसलिए हमें शास्त्रों को समझना चाहिए, क्या नियम है जीवन के, स्त्री पुरुष को कैसे रहना चाहिए, सब चीजों के नियम है, हमें इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। वो नियमों के अनुसार चलने से समाज सही रहेगा, परिवार सही रहेगा और सतोगुण में रहेंगे हम, और फिर उससे धीरे धीरे भगवान की तरफ चलेंगे और समाज हष्ट रहेगा तो भक्ति में भी हम प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए सार ये है, आधुनिक जो समाज है वो पथ भ्रष्ट है, उस दिशा में हमें नहीं जाना है, हमें शास्त्र के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई इस विषय में प्रश्न टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। जैसे तात्पर्य में विषय प्रभुपाद कहते हैं कि वाणी जो शिष्य को ही बताना चाहिए, जो सुनने उनको ही बताना चाहिए, दूसरे को मधुर वाणी में बोलना चाहिए, तो इसका अर्थ हम कैसे ले सकते हैं? जो लोग अपने शिष्य नहीं हैं या जो हमको किसी प्रकार से गुरु रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनको तो हमें मित्रवत ही बात करनी पड़ेगी, उनको तो सलाह देकर के हम बात कर सकते हैं, उनके ऊपर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं हमसे सुनने के लिए। इसलिए फिर उनको एक मित्रवत एक सलाह देकर के करनी पड़ेगी, जिससे उनको बुरा नहीं लगे, नहीं तो अगर उनको बुरा लगेगा तो वो सुनेंगे नहीं हमको ना। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण का रोल प्ले कर रहा है, सन्यासी का रोल प्ले कर रहा है, वो रोल का मतलब ये है कि आप गुरु पद स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई आध्यात्मिक गुरु सन्यासी का रोल प्ले कर रहा है तो वो पूरे समाज का गुरु पद स्वीकार कर रहा है और लोगों की भी ये अपेक्षा है कि अभी ये हमें बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वो लोग फिर केवल लोग को जो चाहिए, लोग जो चाहते हैं वैसा वचन वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने गुरु पद स्वीकार किया। उसी प्रकार से एक बच्चे के लिए माता पिता ने वो पद स्वीकार किया। इसलिए हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से गुरु पद को भी वो स्वीकार करता है, यानी उसका कोई शिष्य है, यानी उसके कोई आश्रित है। तो उन आश्रितों के प्रति फिर ये नहीं चलेगा कि माता पिता बच्चे को जो अच्छा लगे वो बोले, माता पिता को तो जो बच्चे के लिए सही है वो उसको बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु है उसको ये करना पड़ेगा अपने शिष्यों के लिए, और एक जो आध्यात्मिक गुरु है या प्रचारक हैं, सन्यासी हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, मतलब गुणों से ब्राह्मण हैं, जो इस प्रकार समाज का मार्गदर्शन देने वाले हैं, तो उनको तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो मित्रवत रूप से हमारा है, तो उसको फिर हमें मित्रवत रूप से बात करनी पड़ेगी, उसको मतलब शास्त्र के अनुसार ही बताना होगा, लेकिन इस प्रकार से कि उसको एकदम से कड़वा नहीं लगे, है ना, यानी कि वो मित्रवत कि भाई मेरा सुझाव है कि आप सोचो ये सही नहीं, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको मैं सजेशन दे रहा हूँ इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं कि हम शास्त्र के विरुद्ध बोलना शुरू कर दें, वो बात यहां नहीं बताई गई, क्योंकि इसमें आया सत्यम, अनुद्वेग कर्म भी है लेकिन सत्यम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि असत्य वचन बोले वो नहीं। यानी यदि कोई बात है सत्य है कड़वी है तो एटलीस्ट हम जो हमारी बात मानते हैं हमारे अंदर में उसको तो हम बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताना ही चाहिए, अगर हम नहीं बताएंगे तो हम अपराध करेंगे, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, उसी ने हमने वो पद स्वीकार किया है, उसे हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं लोगों से, है ना। इसलिए गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, इसने बताया है कि आप तो जो रिस्पॉन्सिबल कोई भी है ना, पति, गुरु, स्वजन, देव, ये सब गुरु, ये सब चीजें जो है अगर हम अपने आश्रितों को जन्मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते तो हम ये पद स्वीकार नहीं करें, इसलिए उनका वो नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। उसी प्रकार से शास्त्र ने बताया कि जो साधु हैं उनका अंत संकट, क्योंकि वो आत्म उक्ति भी अपने वचनों से वो मनोव्यासंगम उक्ति भी, वो जो मन की आसक्ति है उसको काटते हैं। तो इसलिए एक साधु के लिए तो कड़वे वचन बोलने चाहिए, वचन मीठे ही होते हैं उनके, कड़वे नहीं होते हैं,
लेकिन वो बद्ध जी को कड़वे लगते हैं। तो इसलिए उसका तो कर्तव्य है कि वो ये वचन बोले जो सत्य है, जो हित करे। वो लोगों को प्रिय अगर नहीं लगेंगे लेकिन वो है प्रिय, सत्य वचन है, इसलिए वो प्रिय लगने शुरू हो जाएंगे अगर वो धीरे धीरे उनका इलाज हो रहा। तो नहीं तो अभी इसमें कभी कभी ऐसा होता है सही वचन कड़वे लगे तो अपराध हो सकते हैं क्या? नहीं, वो सही वचन जो शास्त्र के अनुसार है वो अपराध नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका इफेक्ट नहीं हो। अगर हम उसको सही ये सब रिलेशनशिप समझ करके व्यक्त नहीं करें तो हो सकता है उसका इफेक्ट नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल आपसे सुनने को तैयार ही नहीं है, तो ये एक्स वाई जेड मिला है ना, अब आपने उसको एक एक कड़े शब्द में कुछ ही बोल दिया, एक गुरु जैसा समझ करके अपने को, तो वो व्यक्ति आपको सुनेगा क्या, छोड़ तू क्या, तुमको किसने बोला ये सब, मैंने नहीं सुना तुम, तो वो आगे तक के लिए भी आपसे नहीं सुनेगा वो। तो इसलिए वो रिलेशनशिप देख करके हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है हम उसको पहले प्रेजेंट करें मित्रवत, फिर वो धीरे धीरे हमारी बात की जब उसकी गहराई को समझेगा, उसकी महानता को समझेगा, तब फिर वो हमसे सुनने को भी तैयार बन जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए सारो ये प्रकाश हंसल, तो पहले उन्होंने इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि भाई मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, ऐसा नहीं प्रेजेंट किया कि मैं आपको सिखाने आया हूँ, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े सन्यासी थे, वो लोग बड़े घमंडी थे, तो इसलिए उन्होंने उनके सामने अपने को पहले ऐसा व्यक्त नहीं किया। फिर जब उन्होंने आप सन्यासी हैं, आप आइए बैठिए और आप बताइए हमको आप क्यों है, तो फिर उन्होंने उनको पता। तो इसलिए इसमें थोड़ा टैक्टफुल भी काम करना है, बट ओवरऑल जो शास्त्र वचन है वही बोलना है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे इसे अयोध्या में लगभग काफी टीकाकरण गुरु हैं। अयोध्या में? अयोध्या अयोध्या यूपी यूपी हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? इसे दो कोई दीक्षा लेना चाहता है, जो दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, हाँ नॉर्मली इसे किसी के मन में इच्छा आई कि मुझे दीक्षा लेना है, हाँ तो वो पहुंचते हैं गुरु के पास, दीक्षा दीजिए, हाँ। वो तुरंत दीक्षा देते हैं, हाँ। फिर कहीं ना कहीं चार दिन का पालन नहीं कर पाते हैं, वो तम्बाकू खाना, दारू पीना, लेकिन उनके गुरु बोलते नहीं है उनको कि ये नियम है, बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है कोई, या दीक्षा लेने के बाद भी दारू पीते हैं। अच्छा, मुझे लगता है बहुत सारे गुरु तो बोलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, दीक्षा दिए और दक्षिणा लिए वो अपने घर, गुरु अपने घर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको हम अपराध भी देखते हैं, और ऐसे गुरु का भी त्याग करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने कई गुरु को देखा कुर्सी खाते हुए, चाय पीते हुए, बाहर बोलते हैं बाहर, तो गुरु, गुरु कैसे हुए ये तो पता नहीं, कि वो बोलते हमारे परंपरा आ रही है। हर एक चीज का लक्षण होता है ना, पानी सफेद दिखने वाली कोई भी चीज नमक हो जाएगी क्या, है ना? तो हर एक चीज के कुछ लक्षण होते हैं ना, तो गुरु के लक्षण क्या है? बहुत कुछ होते आप लोग के संस्था में या आपके पास आने से समझ बहुत कुछ आ गया है बस। तो फिर जिनके अंदर लक्षण है वो गुरु है, जिनके अंदर नहीं है वो गुरु नहीं है। तो फिर छोड़ने की बात कहाँ है, जब बनाए नहीं हमने, छोड़ेंगे तब जब बनाएंगे, जब वो गुरु ही नहीं थे तो उनको हमें बनाए कैसे उनको। हमारे गाँव में ऐसा प्रचलन है कि जैसे जिसको भिक्षा लेनी होती है गुरु के पास जाता है, या कोई अच्छा काम करना हो। बस सही आपकी बात, पर वो गुरु तो हो, अब गुरु तो सबको दीक्षा दे ही रहे ना वो, नहीं अरे क्वालिटी क्वालिटी ये दीक्षा देने से गुरु नहीं बनते, दीक्षा देने से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनता है। जो गुरु है जिनके अंदर वो लक्षण है उनको, तब उनको गुरु कहा जाता है, तब वो दीक्षा देते हैं। उल्टा मत चलिए, गुरु जो है लक्षण से वो दीक्षा देते हैं, ना कि जो दीक्षा देते हैं वो अपने आप दीक्षा देने मात्र से गुरु नहीं बन जाते, दीक्षा देने मात्र से गुरु नहीं बनते हैं, जो योग्य गुरु है वो दीक्षा दे सकते हैं, ये दिया। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन्हों गुरु जान जाते हैं सिर्फ दीक्षा देने के बाद कि अभी ये सिर्फ दारू पीने लगा है, फिर भी उस पर त्याग नहीं करते, उनके घर में जाते हैं बाद में और उनका जो दक्षिणा लेते हैं शादी ब्याह वकील जाते हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पज है कि दक्षिणा मिलनी चाहिए। शराब पियो जो पियो ठीक है,
पर दक्षिणा जरूर दो। वो गुरु से बोलते भी है, मन नहीं मानता है, अभी पीने लगा हूँ, तो वो न शिष्य गुरु को छोड़ना चाहता है न गुरु से कुछ छोड़ते है। तो ऐसा गुरु को न सही शिष्य है न वो सही गुरु है, वो सब कली चेले हैं। तो ऐसे ठीक है, उनको छोड़िए ना आप, तो यहाँ पे बात कीजिए ना, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कर रहा। मेरे से थोड़ा रिलेटिव है, मेरे 2013 में गुरु को ऐसा संस्कार किया था, तो अब मैं ये चला है, तो अब मैं उनका गुरु का त्याग करूं तो कोई अपराध उसमें होगा मेरा? नहीं, शास्त्र का नियम है कि यदि हमने अनजाने में कोई ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार कर लिया जो गुरु की योग्यता जिसके अंदर नहीं थी, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा दीक्षा नहीं हुआ, हमें योग्य व्यक्ति के पास जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी दीक्षा नहीं हुई, क्योंकि हमने अनजाने में, हमें पता नहीं था, हमें उस समय जानकारी नहीं थी, अनजाने में हमें अयोग्य व्यक्ति से हमने दीक्षा ले ली, वो दीक्षा नहीं कराई जाएगी, आपको सही व्यक्ति के पास जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी सब जगह सोशल मीडिया में और सब जगह सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, रियल सनातन धर्म क्या है? और जैसे हम बोलते हैं कि हमारी आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, उसके साथ मन बुद्धि और अहंकार भी जाता है। बहुत जगह बोलते हैं कि मन बुद्धि अहंकार की जो साइड है वो अंगूठे की जितनी, मतलब सबल बॉडी की जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ जाता है। तो जो एक चीटी एक जीवाणु है उसके अंदर भी वो चीज़ें ट्रांसफर होती है क्या सूक्ष्म शरीर के साथ, मन बुद्धि अहंकार, थोड़ा इसके बारे में? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया नियम है वो सनातन धर्म कहलाते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। मनमाने ढंग से कुछ भी धर्म कार्य, मनमाने ढंग से धर्म नहीं बनता है, धर्म भगवान के द्वारा दिया जाता है, तो जो वास्तव में भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश हैं वो सनातन धर्म कहलाते हैं। और सूक्ष्म शरीर चीटी का सबका होता है, वो अंगूठा का जो ये माप जो बताया है, परमात्मा का माप बताया है, वो सब हमें एक आइडिया देने के लिए बताया, लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही पदार्थ नहीं है, वो उसकी एक हम कंसीव कर पाए कि कोई उसका रूप है, इसके लिए वो ऐसा बताया गया। तो चींटी का भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, और जब तक हम इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, हम सबको अपना सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमको वो शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।